हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चोको वनीला केक। साथ ही मैं बताऊँगी चॉकलेट से गार्निशिंग किस तरह की जाती है और केक को डिज़ाइन बिना नोजल के किस तरह करें, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए चॉकलेट स्पॉन्ज। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। केक के ऊपर की लेयर को ब्रेड नाइफ से इस तरह कट करके अलग कर देंगे। और अब इस बेस को मैं 6 लेयर में कट कर लूँगी। आप इसको 5, 6, 7 जितनी लेयर में कट करना चाहें कट कर सकते हैं। इस केक की हाइट 4 इंची है, तो इसमें काफ़ी सारी लेयर आराम से निकल आएंगी। केक को मैंने 6 लेयर्स में कट कर लिया है। अब करते हैं क्रीम को व्हिप। व्हिप करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप व्हिप क्रीम ली है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। व्हिप क्रीम बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए, बस ध्यान रहे इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल ना रहे, नहीं तो व्हिप क्रीम अच्छे से व्हिप नहीं होगी। क्रीम को व्हिप करते समय स्टार्टिंग में बीटर की स्पीड को बिल्कुल लो रखना है और जस्ट 1 मिनट के बाद इसको फुल स्पीड पे करना है। क्रीम काफ़ी अच्छे से बीट हो चुकी हैं, आप देख सकते हो एक स्टिफ पीक बन के आ रहा है इसमें। इससे ज़्यादा इसको और बीट नहीं करना है। अब करते हैं केक को असेंबल। केक बोर्ड पे फर्स्ट लेयर रखकर इस तरह मैं नॉर्मल वाटर से इसको सोक कर रही हूँ। आप इसको शुगर सिरप से भी सोक कर सकते हैं। और अब क्रीम की 1 लेयर लगाएंगे और इसको बिल्कुल ईवन कर देंगे और फिर उसके बाद रखेंगे 2nd लेयर और यही प्रोसेस फॉलो करते हुए सभी लेयर को हमें असेंबल करना है। केक की सभी लेयर असेंबल हो चुकी हैं और इसकी हम एक बार क्रम कोटिंग कर देंगे, उसके बाद इसकी फाइनल फिनिशिंग करेंगे। अब मैंने यहाँ पाइपिंग बैग में व्हिप क्रीम ली है, उसमें मैंने हल्का सा ब्लू कलर ऐड किया है। अब इस व्हिप क्रीम को भी केक के चारों तरफ लगाकर हम फिनिशिंग कर लेंगे। केक को अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए एक आपको टिप बताना चाहूँगी कि आप जो भी स्पैचुला यूज़ करें उसको गर्म पानी में रखकर यूज़ करें, जिससे कि केक की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। केक के चारों तरफ क्रीम अच्छे से लग चुकी है, ऊपर भी स्पैचुला से इस तरह क्रीम को बिल्कुल ईवन कर लेंगे। गर्म पानी में रखकर स्पैचुला को यूज़ करने से क्रीम बिल्कुल स्टिक नहीं होती और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। अब बनाते हैं चॉकलेट गार्निशिंग, जिससे केक को हम डेकोरेट करेंगे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 200 ग्राम वाइट चॉकलेट कंपाउंड। इसको मैं डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लूँगी और इसमें ऐड किया है मैंने 2 ड्रॉप्स पिंक कलर की, जिससे चॉकलेट हमारी पिंक कलर की हो जाएगी। इसमें आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हो, साथ ही इस वाइट चॉकलेट में आप कोई भी फ्लेवर भी ऐड कर सकते हो। अब इस तरह की मैं एक ट्रांसपेरेंट शीट ले रही हूँ, ये आसानी से स्टेशनरी पर मिल जाती हैं, और इस पे चॉकलेट डालकर इस तरह स्पैचुला से स्प्रेड कर लेंगे। चॉकलेट अच्छे से स्प्रेड हो चुकी है, अब इसको बाहर ही 20 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। अब दूसरी गार्निशिंग बनाने के लिए है, उसी तरह की एक ट्रांसपेरेंट शीट ली है और उस पे चॉकलेट स्प्रेड की है और ऊपर से इस तरह स्प्रिंकल कर दूंगी ये शुगर बॉल्स छोटी छोटी, और इसको भी बाहर ही हम 20 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। ध्यान रहे इसको फ्रिज में नहीं रखना है। अब जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो इस तरह मैं एक कुकी कटर से इसमें कट लगा रही हूँ।
जिससे हमारी हार्ट शेप की गार्निशिंग बनके तैयार हो जाएगी। अब दूसरी गार्निशिंग को भी इसी तरह कट करते हैं हम। नाइफ से मैं इस तरह एकदम सीधी सीधी लाइंस में इस पे कट लगा रही हूँ। और अब इस शीट को उठाएंगे और इस तरह से इसको स्टिक कर देंगे। चॉकलेट अभी हल्की सी स्टिकी है तो ये आराम से शेप में रह जाती है। और दूसरी को भी इसी तरह स्टिक कर लेंगे। अब इसको फ्रिज में रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। ये बिल्कुल सेट हो जाएगी अच्छे से। अब केक को करते हैं डेकोरेट। इसके लिए मैं नीचे एक हल्का सा पिंक कलर का बॉर्डर बना रही हूँ। अब करते हैं इसे चॉकलेट की गार्निशिंग। ये चॉकलेट की गार्निशिंग भी हमारी फ्रिज में रखने से बिल्कुल सेट हो चुकी हैं। इसको मैं हार्ट शेप को इस तरह साइड्स में स्टिक कर दूँगी। केक के इस तरह के सिंपल डिज़ाइंस काफ़ी एलिगेंट लगते हैं। और जो चॉकलेट की दूसरी गार्निशिंग बनाई थी उनके इन कर्ल्स को इस तरह केक के ऊपर असेंबल करेंगे जिससे कि एकदम फ्लावर की शेप में लगेंगे। आप देख पा रहे होंगे केक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब साइड्स में इसको और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इसमें कुछ एडिबल बटरफ्लाइज ऐड कर रही हूँ। तो लीजिए, तैयार है हमारा चोको वनीला केक। ये चॉकलेट और वनीला का कॉम्बिनेशन काफ़ी यम लगता है, तो प्लीज़ आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।